रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की सीमा पर कार्तिक स्वामी मंदिर के आधार शिविर कंचकैरी में 1,59,00,000 की लागत से बनाए जा रहे पर्यटन आवास गृह पर वन विभाग का ग्रहण लग गया है। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि ये भूमि सिविल है, जिसे ग्रामीणों ने गढ़वाल मंडल विकास निगम को लिखित रूप से हस्ताक्षर करके सौंपा था। ये जगह जो है ये सिविल है, यहीं पर हमने थोड़ा बहुत मतलब अपनी दुकानें भी बनाई हैं, लेकिन आज जब ये काम शुरू हुआ तो 2 साल काम चल रहा था, 2 साल हो गए इस काम को चले हुए, और तब तक जंगलात का कोई रोक तो कोई सवाल नहीं था यहाँ पर कि ये जंगलात में है, कि कोई जंगलात वाला आया, किसी ने बंद नहीं किया। ये 2014-15 में जो है अचानक ही जंगलात वालों ने बंद करवाया, इसको हम ये जानते थे कि ये सबसे बड़ा है। वहीं वन विभाग रुद्रप्रयाग इस भूमि को अपना बता रहा है। ऐसे में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा 70% निर्माण कार्य हो चुके आवास गृह को अब तिलवाड़ा में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर पर्यटक आवास गृह को यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। उधर कार्तिक मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने इस मामले पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने राजस्व और वन विभाग की जांच के लिए टीम गठित की। ये एक्चुअल में विगत 2-3 साल से इनका ये वर्क हुआ था, और ये आरएफ में पाया गया है। वर्तमान में भी जो अब दोबारा इसमें अब आज जो संयुक्त निरीक्षण हुआ है राजस्व विभाग और वन विभाग का, तो ये आरएफ में है, और इसका आरएफ में उसका लैंड ट्रांसफर का केस बना हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर गया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी था जिसने इसका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन किया है उसका नाम पूछा है, तो उसके बाद ये लैंड ट्रांसफर केस का कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ये 2.5। एक तरफ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कार्तिक स्वामी मंदिर को पर्यटक और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए इस धाम को विकसित करने के ढोल पीटते नहीं थक रहे हैं, वहीं उन्हीं के विभाग उन्हीं की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं, जबकि वन विभाग और गढ़वाल मंडल के अधिकारी अपनी लचर कार्यप्रणाली के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।